आप सभी को राधे राधे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमाई काशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का नाम माता महालक्ष्मी के रमा स्वरूप पर रखा गया है। रमाई काशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ ही साथ माता महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में धन और वैभव की वृद्धि होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे केशव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य और कथा मैं तुमसे कहता हूँ। इसकी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही साथ यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था और विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायी रमाई काशी भी आने वाली थी। जब वह व्रत के दिन समीप आने लगे तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत चिंता हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि सभी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते, फिर मनुष्य तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी अन्य दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह जागरण की रात अत्यंत दुखदायी हुई। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपनी पिता की आज्ञा से अपने शरीर को भस्म नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रामायण काशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और स्वर्ण से जड़ित खम्भों से निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा छत्र व चवर से विभूषित होने लगा। गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था कि मानो दूसरा इंद्र ही हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक पंडित तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गए। शोभन भी उन्हें पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आया और प्रणाम करके अपनी ससुराल की कुशलता के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशलता से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है, आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कि ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोले कि कार्तिक मास की रमाई काशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ
परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं और किस किस स्थिति से यह स्थिर हो सकता है, आप बताएं, फिर मैं अवश्य में यह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, यह सब कुछ अस्थिर इस वजह से है। यदि आप राजा मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो वह इस राज्य को स्थिर होने का कोई उपाय बता सकती हैं। ऐसा सुनकर उन ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत यह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा को बड़ी प्रसन्नता हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब बातें आप सच कह रहे हैं ना, या कोई स्वप्न है? तब ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने हमारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही उनका वह मणियोजड़ित राज्य भी देखा है। उन्होंने यह कहा है कि यह राज्य स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है, मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगियों को मिलाना महान पुण्य का कार्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामन देव के आश्रम पर गए। वामन देव से सारी बात कहकर वेद मंत्रों के साथ उच्चारण से चंद्रभागा को अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी के आते देख शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपको यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक यह स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य और पौराणिक कथा तुमसे कही। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूट कर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।